नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएसटी हीरो वंस अगेन। कैसे हो, कैसे चल रहा है बिजनेस, सब बढ़िया ना? और नहीं है तो हम किस लिए है दोस्तों, क्योंकि जीएसटी हीरो लाता है सबसे इजी लैंग्वेज में जीएसटी नॉलेज, जो आपको हेल्प करता है 100% जीएसटी कंप्लायंस के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू क्लेम मैक्सिमम ITC इन जीएसटी। बस आगे बढ़ने से पहले आपका फेवरेट जीएसटी हीरो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और पसंद आए तो शेयर भी बिल्कुल कीजिए। आज हम देखेंगे कि हमने जो टैक्सेस भर दिए हैं उस पर 100% ITC कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस के साथ ऐसा होता है कि वो तो पूरा टैक्स भरते हैं लेकिन उनको पूरी तरीके से ITC नहीं मिलता है, और उनको कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि कहाँ गलती हुई है। तो आज बात इसी पर करेंगे और आपको 100% ITC दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ITC से ही हमारे बिजनेसेस का कैपिटल हमें वापस मिल सकता है, जिससे हम बिजनेसेस को अच्छी तरीके से चला सकते हैं, बल्कि दौड़ा भी सकते हैं। बस आपको कुछ बेसिक जानने की जरूरत है दोस्तों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि ITC एक क्रेडिट है जो हमें हमारे परचेस के ऊपर का टैक्स भर के वापस मिलता है। तो यहाँ हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि ITC एक ब्रिज है जो कि सेलर और परचेसर के बीच में बंधा हुआ है। मतलब ITC क्लेम्ड बाय कंपनी इज इक्वल टू सप्लायर्स रिटर्न। तो इसे दोनों साइड से कंप्लायंस रखना बेहद जरूरी है दोस्तों, वरना आपका ITC डूब सकता है। और अगर आपने इनवैलिड ITC क्लेम किया तो GST नॉन कंप्लायंस के चलते आपका रेवेन्यू भी लॉस हो जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, सही तरीके से क्लेम करना मतलब पूरा ITC मिलना, और एक्सेसिव मतलब ज्यादा ITC क्लेम करने के बारे में तो सोचो भी मत, क्योंकि अगर आप गलती से भी एक्सेसिव ITC क्लेम करते हो तो आपको उसे 18% इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में 100% ITC क्लेम करना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपने कभी सोचा कि मतलब किस तरीके से क्लेम करना चाहिए, किस पर हमारा ITC डिपेंड है? तो दोस्तों, आपको पहले ITC के पिलर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे ये चार कंपोनेंट्स ITC के पिलर्स के नाम से जाने जाते हैं। पहला सप्लायर का GSTR 1, दूसरा परचेसर का GSTR 2, तीसरा GSTR 2B, और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है परचेसर का परचेस रजिस्टर। तो दोस्तों, इन पिलर्स पर एक रिकॉर्ड नजर डालते हैं। काफी लोगों को तो पता ही होगा, बस कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए रिकॉल करना थोड़ा जरूरी है। तो दोस्तों, GSTR 1 ऑल आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेलिंग होती है, जिसे सेलर को हर महीने के 11 तारीख को भरना मैंडेटरी है दोस्तों। बस वो QRMP स्कीम के अंडर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और आपने QRMP स्कीम ले ली है तो आपको ये रिटर्न क्वार्टरली फिल करना है 13 तारीख से पहले। मतलब अगले क्वार्टर के शुरू होते ही 13 तारीख तक आपको टाइम मिल जाता है दोस्तों। अब आता है हमारे खेल का सबसे इंटरेस्टिंग मोड़, GSTR 2A और 2B। मान लो कि ये दोनों जुड़वा भाई है और इनके पिताजी है आदरणीय पूजनीय GSTR 1G, क्योंकि हमने जिस सप्लायर से माल खरीदा है उस सप्लायर के आउटवर्ड डिटेल्स यानी कि उनके GSTR 1 से ही GSTR 2A और 2B में हमारे परचेस डिटेल्स ऑटो पॉपुलेटेड होकर आते हैं, जिसे हम यानी कि परचेसर कभी भी अमेंड नहीं कर सकता। यानी कि बंदूक से निकली गोली और GSTR 2A 2B से निकली डिटेल्स कभी भी बदल नहीं सकते, मतलब हमारे साइड से। तो GSTR 2A एक परचेस रिलेटेड टैक्स है और वो सेलर के GSTR 1, GSTR 5, 6, 7, 8 से हर महीने अपडेट होकर हमारे GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होता है, और GSTR 2B उसी परचेस से रिलेटेड एलिजिबल और इन एलिजिबल ITC अमाउंट का फॉर्म होता है, जो सप्लायर GSTR 1, 5, 6 से और परचेसर के GSTR 2A से ऑटो पॉपुलेटेड होकर आता है। अब सबसे लास्ट एंट्री होती है इस खेल के गेम चेंजर की, जो कभी भी बाजी पलटने में माहिर है दोस्तों। जी हाँ, परचेसर रजिस्टर, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम एरर स्पॉट करके एलिजिबल ITC क्लेम कर सकते हैं। बस इसे रेसिपिएंट को मंथली मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा परचेस होगा इसे हम यहाँ अलग से मेंशन करेंगे, और आखिर में इन्हीं की हेल्प से हमारा GSTR 2B और परचेस रजिस्टर का रिकंसिलेशन रिपोर्ट बनाएंगे, जिससे सारी गलतियां चुटकी से हमारे ध्यान में आएंगी। अब दोस्तों, हमने कौन कहां से आता है, कहां जाता है, किसका किससे क्या नाता है, ये तो सब जान लिया, पर इससे मैक्सिमम ITC कैसे क्लेम करेंगे दोस्तों? हमें तो बस ITC फ्लो समझ में आया इससे, है ना? तो दोस्तों, हम यहां पर आपके लिए एक गाइडलाइन लेकर आए हैं,
जिससे आप मैक्सिमम ITC क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको इनवॉइसेस और रिटर्न के सब मैंडेटरी पैरामीटर्स अच्छी तरीके से चेक करने होंगे। जो इनवॉइस हमें परचेस के समय सेलर से मिले हैं उसके डिटेल्स वेरीफाई करने होंगे। फिर ITC क्लेम करने से पहले आपको आपका GSTR 2 भी रिव्यू करना होगा। फिर हमारा GSTR 3 भी और परचेसर का GSTR 1 का कंपेरिजन रिपोर्ट बनाना है। साथ में हमारे GSTR 2 भी से भी 3B का कंपैरिजन रिपोर्ट बनाना है और आखिर में हमारे इनवॉइसेस को हमारे GSTR 2A 2B और वेंडर की GSTR 1 से रिकंसाइल करके इनवॉइसेस मैच कराने हैं, जिससे कौन से इनवॉइसेस से कौन सा ITC आया है और कौन से इनवॉइसेस का ITC क्रेडिट नहीं मिला है ये पहचानने में आसानी होगी और आपको आपके डिफॉल्टिंग वेंडर्स के पास विथ प्रूफ जाने का अवसर मिलेगा, जिससे वो उसे सुधार कर आपका ITC भी वापस मिल सकता है। और दोस्तों, बस इतने से ही हमारा काम नहीं चलने वाला है। खैर, चल सकता है लेकिन दौड़ नहीं सकता है, क्योंकि आपको और काफी चीजों का ख्याल रखना है दोस्तों, जैसे कि आपको इनवॉइसेस के QR कोड्स की वैलिडिटी चेक करके इनवॉइस वैलिडेट करना है, सप्लायर्स ने इनवॉइसिंग की नॉर्म्स का अनुपालन किया है कि नहीं ये भी देखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने इनवॉइसेस तो फाइंड आउट किया है बट उसमें कुछ गलती रह गई हो। फिर उसके बाद डेबिट नोट्स को आइडेंटिफाई करना है, रेगुलर रिकंसिलेशन करना है, वेंडर्स को टाइम पर पे करना है, डिफॉल्टिंग वेंडर्स का फॉलोअप लेना है, RCM बेसिस पर हमने जो टैक्स पेड किया है उसे आइडेंटिफाई करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन रखना है, ऐसे कई चेक्स आपको करने हैं। और आजकल कुछ लोग तो अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में इंडेमनिफिकेशन क्लॉजेस को भी ऐड करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो दोस्तों। पर क्या दोस्तों, आपने सोचा है कि अगर इतनी सारी दिक्कतें पार करने की बजाय आपका ये काम चुटकी में हो जाए, तो सब काम ऑटोमेटिकली एक्यूरेट हो जाए? तो दोस्तों, अगर आप अपना काम ऑटोमेटिकली एक्यूरेट करना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, GST Hero का रिकंसिलेशन सॉफ्टवेयर, जो देता है आपके ERP से इंटीग्रेशन, डेटा वैलिडेशन, ऑटो शेड्यूलिंग ऑफ रिकंसिलेशन, इनबिल्ट क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम और साथ में कई रिकंसिलेशन रिपोर्ट्स, जिससे आपका अपने हक का ITC मिलेगा एकदम आसानी से। तो दोस्तों, देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे डिटेल्स थ्रू हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारे सॉफ्टवेयर का डेमो देखिए, गारंटेड आपको हमारी सर्विसेज पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं दोबारा जल्दी ही, तब तक शुक्रिया।